सो भाई देखो, सुबह सुबह मैं अभी 8:30 बजे के टाइम आया हूँ छत में और आपको दिखाता हूँ छत का हाल, क्योंकि रात के 2 बजे से हो रही है बारिश धकाधक धकाधक। तो यहाँ से दिखाता हूँ आपको, जरा देखो और मैं ना भीग जाऊँ। सो जो अभी बारिश दिख रही है ना, ये अभी 6-6.5 घंटे से हो रही है लगातार और होती जा रही, कहीं नामो निशान नहीं है इसके रुकने का। और इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि उत्तराखंड में बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, अभी भी हो रही है, तो वहाँ की बारिश इधर आ रही है। आपको भी पता है कि भैया उत्तराखंड से बारिश इधर की साइड आती है दिल्ली में, तो हवा इधर ही की साइड आती है, या फिर जब भी बर्फ़ पड़ती है उत्तराखंड में या हिमालय में तो यहाँ हवा आने में 1 से 2 दिन लगते हैं। सो ये देखो मीटर की इसमें तो करंट लग गया मेरे को यार, सिर्फ यहाँ पर छूने में करंट लग गया, आपने भी देखा होगा। वहाँ पर मैंने छूरा भाई, अभी भी छूरा था आपके सामने ही, वहाँ पर भी देखो पानी 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 पूरा का पूरा। अब गलती नहीं करनी, वही करंट लग गया तो। वो मीटर की साइड वहाँ पर हल्का सा मैंने छुआ दीवार में, करंट से लग रहा है उसमें। हाँ ना, मैं अब नहीं लगा रहा उधर यार, मतलब वीडियो बनाते बनाते जरा देख रहा था उसमें टच करके कि कितना गिला और का क्या और का। तो पानी इधर की साइड पे आ गया, वहाँ पर भी मैंने छुरा भाई, ये देखो पानी इधर की साइड पे आ गया पूरा, अंदर की साइड में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, वो देखो अंदर कोने में भी। सो टाइम अभी हो चुका है 10:30 और बारिश अभी भी हो रही है कंटिन्यूस इतनी देर से, तो तब तक देखते हैं मैंने क्या बना रखा है। पोहा, पोहा पोहे में जो काजू डालते हैं ना वो आता है मज़ा खाने में, इसमें काजू दिख रहा होगा आपको। लजीज हाँ, तो फटाफट इसको मैं खा लेता हूँ, उसके बाद में बताऊँ। तो भाई अभी 12:30 बज रहे हैं और देखो बारिश से बुरा हाल इधर भी है बाहर। आज आपको बाहर का मैं दिखाता हूँ कि कैसे दिल्ली में पूरा पानी भर जाता है, ये नाली की साइड में पूरा नाली भरी हुई है कोने में, और इधर की साइड देखो यही होता है। पहाड़ों में तो अंदर चला जाता है पानी रेत के अंदर, बट यहाँ पर पानी देखो भरता जाएगा। अब कहाँ यार कुछ भी फेंकने के लिए, लोगों ने देखो यहाँ पर इतना फेंक रखा है कूड़ा, सब भरता जाएगा क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। एक बार ही देख रहे हो यहाँ पर कितना कूड़ा हो रहा है, सब प्लास्टिक ऐसे फेंक देते हैं साइड में कॉर्नर में और बस नाली में जम जाता है। देखो पीछे तभी तो नाली इतनी पूरी भरी पड़ी है, तो जाना सेफ नहीं है। अभी थोड़ा सा इसके अंदर कभी आपको दिखा दूं क्या, बट देखता हूँ जाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, जाता हूँ। इसकी आँख गिर गया, लग गई। ये आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्क जहाँ पर वो स्नेक का डर था, पर तब भी मैं इधर गया और घास लेके आया था कुत्ती बनने के लिए। तो इधर मेरे को बहुत ज़्यादा देर हो गई है, तो अब मैं चलता हूँ घर में, क्योंकि तो पानी में खा मखा भैया डूबना नहीं है ना हाथ पैर गीले करने, दैट्स माई टेक्निक। सो थोड़ा सा और आगे मैं जा रहा हूँ, बट वहाँ तक नहीं जाऊँगा जहाँ पर मेरा पैर नाली के पानी में जाए। तो देखो ये आपको दिखाता हूँ इधर का, ये पानी बस मिडल में आने ही वाला। और वो देखो कितना मस्ती से जा रहे हैं बिना मास्क के, तीनों के तीनों ही। ये देखो यहाँ से है भैया नाली का पानी शुरू, तो इसमें तो भैया मैं नहीं जा रहा। पता दिल्ली में ना यही हाल होता है हमेशा का यही है। और ये रहा झूला जिसमें बहुत पहले यार, कम से कम 15 साल पहले की बात है जब हम इसमें खेला करते थे, 8-10 साल के तब इसमें खेला करते थे। अब बस तो बंद ही पड़ा है क्योंकि अब कोई इसको चलाता नहीं है। तो देखो नाली का पानी उसमें भी भरता जा रहा है, आता जा रहा है सारा का सारा। अब मेन बात ये है ना, आपको भी मैंने बताया कि प्लास्टिक देखो आपके सामने मैंने दिखा दिया, जितने लोग प्लास्टिक फेंकेंगे यूज़ करेंगे बस सारी नाली ऐसी भरती रहेगी कि मतलब पानी भी सप्लाई नहीं हो पाएगा, आगे जा नहीं पाएगा, ये हाल हो जाता है। देखो यहाँ से कोई जा ही नहीं सकता उधर की साइड बंद, अब वो पत्थर से जाओ नाली में पैर डाल के जाओ, देखो वहीं का सीन पूरा नाली का भरा पड़ा। और इधर की साइड होते हैं बाजरा, जब मैं पहले लेके आता था कुकी बने के लिए इधर की साइड, अभी तो नहीं हो रहे इधर। और यहाँ पर पहले एक तंबू था, वो तंबू भी सारा बंद कर दिया, एक बुड्ढे से अंकल आंटी थे वो चलाते थे, सब बंद हो गया, वो गली में भी पानी भर रखा है यहाँ पर। अब इसको रख देते हैं यहाँ सुखाने के लिए, इसको पुलाव की खुशबू आ गई है और ये इसी रूम में इसी किचन में बार बार घूमती रहेगी। हाँ सबा अभी देखो मैं इधर की साइड जाऊँगा आवाज आएगी बेइज्जती। तो भाई अब चेक करते हैं कैसा बना पुलाव, कब बन गया दिखाओ। उसके बारे में जल्दी कर रहा था वो मारे दिखाओ, अब निकल गई सारी गैस इसकी, इसमें तो बस चिकन प्लीज कहा उसमें तो ये चिकन ही तो है, ये चिकन पर चावल तो इसमें दिख ही नहीं रहे, ये रहे चावल भाई, ये ऐसी में गीले वाले कह रहा था।
वो जो बिल्कुल सूखे वाले बनते हैं वो मेरे से नहीं खाया जाता बिल्कुल भी। मैंने इसमें पानी डाल दिया था ज्यादा, तभी वो ऐसे तो मैं आराम से खा लूं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इसको ठंडा होता है, अब तो खाएगा नहीं। कौन तो मना करा नीचे? अच्छा अच्छा, उसको पलाओ पता चला तो नहीं खा रहा नहीं, ऐसे घीरा ही ठीक लगता है। कम से कम ऐसे खाया तो जाता, नहीं तो सूखा सूखा गले में लगता है, फिर खाया नहीं जाता। फिर तो पूछ लिया उसको, अभी पूछ रहा हूँ पहले। आप तो आपके लिए अपने भेजा अच्छा मिल ले। तो ये जो अचार दिख रहा है ये पापा ने ही लगाया था उधर, लेकिन है वो कितने जाएगा डांग फिर में बोल के रहे कि आपने या फिर दादी ने लगाया हम दोनों ने। मेरे को बोल मैंने कहाँ लगा लगाता हूँ जहाँ पे मैं आम छोड़ो बार बार मैं चले मैंने गड्ढे में किसने लगाया समझे नहीं। मैंने ये कहा इधर लगाते हैं कि जैसे कोई गिरेगा पेड़ आम जो गिरेंगे तो हम लोग खाएंगे, तो माने का रहने इधर मतलब वहाँ लगा वार्ड पे लगा वार्ड पे मतलब जो बॉर्डर होता है दोनों खेतों का हमारे वहाँ लगा, इधर से उनकी जगह उधर है इधर से हमारे मतलब पेड़ जहाँ पर बॉर्डर है उसके नीचे वाला खेत किसी और का, ऊपर वाला हमारा है। आगे आगे वाला आगे होगा मध्यता होगा पुराना होगा कम से कम 35-40 साल से ऊपर 40-45 साल। और आज मिल रहा है आपको उसमें फल है? आज लेके आ रहे हैं तुम्हारे बच्चे लेके आ रहे हैं है, हम लेके आ रहे हैं मैं और मम्मी दीदी वगैरह सब लेके आ रहे हैं आम का पेड़ का। और बाप बताओ आज आम खा रहे हैं इसका? दादी हो मतलब गांव जाने के लिए हो जब भी चलो चलो जैसे कि उस वीडियो में कहा भी था कि मैं बताऊंगा कि किसने आम का पेड़ लगाया, तो आज पता चल गया कि पापा लेके आए थे आम का पेड़, दादी से पूछा था कि कहाँ पर लगाऊं, तो दादी ने बोला कि यहाँ पर बॉर्डर पर लगाओ। तो आज वो 40-42-43 साल मतलब पापा बोल रहे हैं 42-43 साल मतलब 43 ईयर्स या फिर 42 ईयर्स, तो वो पेड़ का फल हमें आज मिल रहा है कि हम कट्टे भर के लेके आए बट गांव में ही रहा वो। तो कैसा लगा आप सबको देख के? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आराम से आप देख सकते हो वीडियो क्या आम तोड़ते हुए हमने बना रखे। पहला पेड़ पहले नहीं दूसरा पेड़ जो हमने तोड़ा था ना उसको मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, एक फोटो भी दिख रही होगी, ये देखो ये वाला पेड़ है। तो कैसा लगा आप सबको? अगर अच्छा लगा होगा तो भैया कमेंट करके बताना, तो फटाफट मैं भी खा लेता हूँ ये, उसके बाद मिलता हूँ सबसे। सो अभी हमने देखो टैंकी खोल रखी है यहाँ पर दोनों की, आराम से इसमें पानी भर रहा है क्योंकि ये पानी आ जाएगा काम में। अब मैं इसको डाल देता हूँ फटाफट इसके अंदर, ये पानी गया इसमें। वही आप सब भी ऐसे ही करो, जब भी पानी आपको मतलब बचाना हो आराम से टैंकी का ढक्कन खोलो या फिर अपनी टैंकी खोल दो, आराम से पानी जाता रहेगा। बट इसमें भी तो बच रहा है ना, वो डाल दो टैंकी में। टाइम हो रहा है 6:10 और अभी हम जा रहे हैं छत में, और फाइनली बारिश बंद हो चुकी है। सो फाइनली बारिश का वो एंड, देखो सुबह के 3 बजे से बारिश हो रही थी, 2 या 3 बजे से, और अब बारिश हुई है फाइनली बंद। और अब देखो मौसम धीरे धीरे खुल रहा है धीरे धीरे। आएगा ये चूहा का बीज, गांव में नहीं होता चूहा? अच्छा अच्छा अच्छा, वो चूहे का बीज आपको मैंने दिखाया था, बड़ा सा पेड़ हो रखा था ऊपर के मोटे मोटे से वाइट करके, वही वाले उसी के दाने निकाल निकाल के ये वाले बीज होते हैं। देखो पर ये तो दाने हो गए, मैं आप तो उस टाइम कुछ और दिखा रहे थे, दाने तो थे यही तो होते हैं। अच्छा ये हो जाते हैं बाद में? हाँ। पहले तो लग रहे जैसे वो फूल नहीं होते छोटे छोटे से, वैसे लग रहे थे वो। देखो ये वाले हैं चूहे का, चूहा चूहा क्या बोलते हैं इसको? चूह अच्छा, चू का भी इसके लड्डू नहीं होते, पापा कह रहे खसखस होता है। बढ़िया होते ना उधर, क्योंकि सारे बंजर पड़े हुए हैं भवन में जितने भी हैं उधर, जो वहाँ पर रहते हैं नानी और वो तो लगाते हैं बस इतना ही। तो ये छोटे छोटे से बीज दिख रहे होंगे, ये हमने लगा दिए। ये तो वो है ना इमली है किसका है तेज, क्या बोलते हैं इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को यार, नीम का पत्ता, नीम का है, नीम का है। बड़ा हो गया यार एक हफ्ते में, हमें एक हफ्ते नहीं दो हफ्ते कितने 11 दिन में आए ना। तो ये देखो ये नीम का पत्ता कितना बड़ा हो चुका है यार, हाँ यार बहुत बड़ा हो गया। तो पहले हाथ को सुखा दूँ, अब डालता हूँ। कम कम डालना, कम है बहुत ज्यादा है, वो डाल दूँ किनारे सब जगह डालना। अच्छा एक थोड़ा सा इसमें ये, और अब इसमें डाल दिए, देखते हैं कितने होते हैं यहाँ पर। अभी भी रह रहे हैं क्या इसमें भी? तो रुको अभी पूरे का पूरा ही लगा देंगे, बस इतना काफी है? हाँ सारा चलेगा, इसमें तो ज्यादा लगाना पड़ेगा। लास्ट टाइम बाजरा में लगाया था
उसका ये बचा हुआ था, अब ये लगा देते हैं। दो मेरे हाथ में दे दो, मैं सब जगह लगा दूंगा। सो भाई मैं नीचे आ चुका हूँ और अभी टाइम हो रहा है 6:25 और मुझे लग रही है भूख। और मेरा रूटीन आप जानते ही हो, नहीं जानते? अब मैंने कुछ चेंज करा अपना रूटीन कि रात के टाइम सिर्फ एक रोटी बस। आई नो वेरी वेल आप सब कह रहे होंगे कि यार एकदम से तू ऐसे क्यों कह रहा है कि एक रोटी खाएगा बस उसके अलावा नहीं। तो यार मैंने डिसाइड ये कर रखा है कि मैं कार्ब्स भी खाऊंगा ना तो 7 बजे से पहले पहले बट कम क्वांटिटी में। जैसे कि अभी मैं दूध और केले खा रहा हूँ और ये बट ये गिर गया नीचे। तो उसका रीजन ये है कि मेरा ना बेली फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, कभी दिखाना होगा तो, कि कितना फैटी होता जा रहा हूं मैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि रात को 7 बजे के बाद मैं ज्यादा से ज्यादा खाऊंगा ग्रीन सैलेड। तो ये रहा मेरा रात का खाना और अभी जब खाना बनेगा तो मैं 7 बजे से पहले पहले तक खा लूंगा जो मेरे को खाना है। मैं तो काब्स मैंने अब छोड़ दिया बिल्कुल ही, तो इसको टेस्ट करता हूँ पहले। तो भाई आज के ब्लॉग में इतने रखता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप सब भी खुश रहें। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप सब देख ही चुके हो कि आज पूरा दिन बारिश हुई है और शाम को रुकी है। बड़ा भी कुछ नहीं कर सकते, पता चले रात को फिर बारिश शुरू हो जाए। कंटिन्यूस हुई, आप सबको भी पता है। आपके उधर भी हो रही होगी तो भैया कमेंट करके बताना। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।